नमस्कार दोस्तों, पंजाब किंग्स की एक और नई वीडियो लेकर हम आपके साथ हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स टीम से आई दो बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पीबीकेएस के ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ ही आईपीएल 2023 से पहले कप्तान शिखर धवन का बड़ा बयान आया है। पंजाब किंग्स टीम को लेकर कप्तान शिखर धवन ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। दोस्तों पंजाब किंग्स के सभी खिलाड़ी 25 मार्च से हम 5 बजे मोहाली पहुंच गए थे। साथ ही टीम का कोचिंग स्टाफ भी मोहाली में टीम से जुड़ चुका है। हेड कोच ट्रेवर बेलिस की अगुवाई में टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही है। आईपीएल से पहले लगभग सभी ओवरसीज प्लेयर्स ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। जॉनी बेस्टो के रिप्लेसमेंट के रूप में मैट शॉर्ट को टीम में शामिल किया गया है। वहीं इसके बाद दूसरी बड़ी खबर कप्तान शिखर धवन को लेकर आ रही है। दोस्तों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करने और टीम को ट्रॉफी दिलाने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। धवन ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर उनका ये काम रहेगा कि वो टीम का माहौल अच्छा रखें। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी करने जा रहा हूं और एक कप्तान के तौर पर मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और इस बार ट्रॉफी अपने नाम करे। शिखर धवन ने ये कहा कि हमारी टीम ने अभी तक एक बार भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है, लेकिन इस बार हमारे पास बेहतरीन मौका है, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पीबीकेएस ने इस बार बड़ा बदलाव करते हुए मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को टीम की कमान दी है। अब देखना होगा नए कप्तान शिखर धवन टीम की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।